प्रयास तो केंद्र की सरकार भी कर रही है और पूरी भारतीय जनता पार्टी की टीम कर रही है। लेकिन जहां तक बाबूलाल जी का सवाल है ना, तो बाबूलाल जी खुद अपने अस्तित्व की लड़ाई भारतीय जनता पार्टी में लड़ रहे हैं। बाबूलाल जी के ऊपर ही कोई आदमी विश्वास नहीं कर रहा जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। तो आज बाबूलाल जी कोई चैलेंज नहीं है हमारे लिए, और ना भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता झारखंड मुक्ति मोर्चा को चुनौती देने के लिए तैयार है। आप देखेंगे कि एक मुख्यमंत्री हैं आसाम के, यहां आकर के और आदिवासियों के हित की बात करते हैं, आदिवासियों के हक अधिकार की बात करते हैं। हम लोग आपके माध्यम से कहना चाहेंगे कि पहले अपने स्टेट में जो यहाँ के लोग गए हुए हैं, जो उस समाज से आते हैं, उनको आप आदिवासी का दर्जा दें, उसके बाद आकर के यहाँ पर आदिवासियों के हक अधिकार की बात करें। देखिए, रेस तो होना ही है ना। भारतीय जनता पार्टी में अभी 7 साल पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान मुख्यमंत्री घूम रहे हैं, तो आप देख लीजिए किस तरह का सिर फुटा हुआ हो रहा है। कोई उनको टाइगर से नवाज रहा है, कोई उनको कुछ बोल रहा है कि बहुत बड़े नेता है, बहुत छोटे नेता, इस तरह की बातें आ रही है। लेकिन आपको मैं बता दूं कि पार्टी का कार्यकर्ता किसी को टाइगर बनाता है और किसी को उस उपाधि से उतार देता है। आज स्थिति उनकी यह है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा में वो टाइगर थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में उनकी स्थिति क्या है, आप उनको खुद पूछ लीजिएगा, आपको समझ। देखिए, ये सब सिर्फ चुनावी स्टैंड है और इसके अलावा कुछ नहीं। यहाँ कोई घुसपैठिया नहीं है। आप लोग दिन रात बात पत्रकारिता करते हैं, आपको कहीं नजर आया क्या वैसे लोग? ये सिर्फ जनता को बरगलाने का काम कर रहा है। और जो हमारी सरकार इतने कठिन परिस्थिति में, माननीय हेमंत सोरेन जी ने जो सरकार चलाई, जैसे जैसे योजना लाए, उससे बुखलाहट में उनको और कोई चीज़ नहीं दिख रहा है, कोई मुद्दा नहीं मिल रहा है। हम तो उनसे मांग करते हैं कि आप लोग जो केंद्र के नेता यहाँ आते हैं, गृह मंत्री हो, कृषि मंत्री हो और सारे जो मुख्यमंत्री हो, तो केंद्र जो मेरा पैसा, हमारा सरकार का जो पैसा रोक के रखा, उसके बारे में आप लोग बात उठाइए, उसको मांगिए और उसको पब्लिक को दीजिए। 1,36,000 करोड़ जो तो आपको सुप्रीम कोर्ट आदेश दे दिया कि आपको 6 किस्त में देना, आप 1 किस्त अभी दे दीजिए। हम लोग तो ये मांग करते हैं, हम लोग 15 फाइनेंस का पैसा मांग करते हैं।